साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 60 रनों से करारी शिकस्त दी। साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज भी एक बार फिर अपने नाम की। इसी के साथ टीम इंडिया का इंग्लैंड में सीरीज जीतने का एक बार फिर सपना अधूरा रह गया। 2007 के बाद से टीम इंडिया ने इंग्लैंड में कोई भी सीरीज नहीं जीती थी। ऐसे में अब इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर टीम इंडिया के सपने को अगले 4 सालों के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया की हार के बाद कई लोग टीम इंडिया पर भड़कते नजर आए। ऐसे में भारत के बड़े खेल पत्रकारों में शुमार विक्रांत गुप्ता भी टीम इंडिया पर जमकर भड़कते नजर आए। विक्रांत ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पूरी तैयारी के साथ टेस्ट मैच में खेलने उतरना चाहिए था। विक्रांत ने यह भी कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को छुट्टी कौन देता है, इस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। विक्रांत के मुताबिक टीम इंडिया से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, उस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने नहीं किया। हालांकि विक्रांत अपनी बात पर सही भी थे। कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आई। पूरी की पूरी टीम ने एक साथ कहीं पर भी ट्रेवल नहीं किया, जिसका खामियाजा टीम इंडिया ने भुगता भी। टीम इंडिया हर बार ये बहाना नहीं दे सकती कि हम क्लोज आकर हारे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को प्लेट में रख कर ही दी है। साथ ही विक्रांत गुप्ता ने यह भी कहा कि टीम इंडिया को अब सोचने की जरूरत है कि कौन से खिलाड़ी उनके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विक्रांत गुप्ता ने हार्दिक पांड्या पर भी कई सवाल उठाए। कपिल देव से तुलना किए जाने पर पांड्या के जवाब पर भी विक्रांत गुप्ता जमकर बरसते नजर आए। वेल, आज तो विक्रांत ने काफी सही बातें कही हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान और टीम इंडिया के कोच विक्रांत की इस बात को सुने, ताकि टीम इंडिया में सुधार हो सके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।